वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आप लोग का चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हमने फर्स्ट वीडियो एक महीने का पहले पोस्ट किया था। तभी इसका मार्केट प्राइस था 458। डिविडेंड बहुत पहले इसका अनाउंस हो चुका था, 58 रुपीज़ का डिविडेंड, बट एक्सडेट रिकॉर्ड डेट नहीं था। तो तभी हमने इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन किया था 24%, मतलब 12% इधर से प्राइस मूवमेंट और 12% डिविडेंड का, दोनों मिला के 24% होता है करके हमने तभी आपको वीडियो पोस्ट किया था। उसका बाद में हमने 3 लगातार आपको फॉलो अप वीडियोस भी डाले इन बिटवीन, आप देख सकते हैं। इधर 462 का रेंज में भी आपको 3 हफ्ते का पहले एक वीडियो पोस्ट किया। उसका बाद में जैसा इसका प्राइवेटाइजेशन का बात हो गया था तभी भी एक फॉलो अप वीडियो डाला था, तभी इसका प्राइस था 471, वो तीसरा वीडियो था। और चौथा वीडियो हमने 1 हफ्ते पहले ही इसका पोस्ट किया था, तभी इसका प्राइस था 491। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ऑलरेडी आज एक्स डेट आ चुका है। तो दोस्तों, आज हमने CAC लिमिटेड का भी प्रॉफिट बुक किया, कल हमने वीडियो पोस्ट किया था। होप आप सब प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए रहेंगे। और आयरकन के भी ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है, BPCL का भी हमको डिविडेंड आ चुका है अभी हमारा अकाउंट में। तो वीडियो में जाके देखिए, क्विक अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। अभी ऑलरेडी डिविडेंड 58, एक्स डेट कल है 16 को। अगर आपके पास जैसा मैं HDFC सिक्योरिटीज़ में मेरा अकाउंट है, हमको ऑलरेडी अकाउंट में आज बताया अभी डिविडेंड आ चुका करके, तो कल एक्स डेट रहेगा दोस्तों। कल हमको इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं, हमको रख भी सकते हैं। जैसा हमने पहले का वीडियोस में आपको बताया था, एक लार्ज कैप कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए हमको इसमें निवेश कर सकते हैं करके। तो अभी दोस्तों, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में पोस्ट किया था 24% का टारगेट, वो तो टारगेट अचीव हो चुका है। तो अभी हमको क्या प्रॉफिट बुक करना है इसमें, नहीं तो डिविडेंड लेके इसमें कंटिन्यू करना है, आगे वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए, जैसा हमने 458 रुपीज़ का तभी आपको प्राइस था, उसका बाद में आज का प्राइस हम पकड़ते, तो ये 500 टच किया है स्टॉक, 500 टच करके इसमें थोड़ा रिवर्सल हो गया। तो आज का प्राइस है 490, तो 458 से 490 बोलेगा तो 32 रुपीज़ का आप गेन में रहेंगे अगर आपने लिया हो तो, प्लस 58 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, तो आपको टोटल 90 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट मिला है। तो 458 रुपीज़ का 90 रुपीज़ बोलेंगे तो आप 19% प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों आज का दिन में। अगर आप 500 का कैलकुलेशन करते हैं तो 24% होता है, बट अभी तो हमको आज का प्राइस में देखना है, तो आज का दिन में हम 19% प्रॉफिट में है। तो अभी हमको हमारा आगे का स्ट्रेटजी क्या करना है, तो ये लार्ज कैप है, लॉन्ग टर्म हम सोच रहे थे, तो अभी हम आगे जाके देख लेते हैं। फर्स्ट हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं आज का दिन में। तो ये बुलिंजर बैंड ऊपर का बैंड को टच करके रिवर्सल आ गया, इसमें आप देख सकते हैं 500 को ये टच किया था, फिर इसमें रिवर्सल आ गया, तो अभी 489 है। RSI भी आप देख सकते हैं 70 को टच करके अभी ये फिर से वापस हो गया, दो बार ये 70 को टच किया, जैसा आप देख सकते हैं 500 था तभी भी ये टच करके वापस आया था, अभी है RSI इसका 62। MACD आप देख सकते हैं ये लाइन क्रॉस करके अच्छा इसका मोमेंटम ऊपर का तरफ था, अभी ये स्लाइटली कर्व नीचे का तरफ ले रहा है, नीचे भी नहीं बोल सकते, शायद कंसोलिडेट भी हो सकते हैं, बट आप बराबर देखेंगे तो ये अभी नीचे का तरफ इशारा कर रहा है। ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, एक था ये भी अभी नीचे का तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट देख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी आपको पिछले अभी जस्ट आपको 24% का कैलकुलेशन बताया, तो आप 3 महीने का हिसाब से देखेंगे तो अभी भी ये 1% है। तो दोस्तों, हमने 1 महीने में 19% का प्रॉफिट तो हमको मिला है, तो अगर आप 3 महीने का इसमें होल्डिंग रखा तो 1.67% ही है। तो दोस्तों, वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं, इसमें आप देख सकते हैं लगातार 1 करोड़ का वॉल्यूम है आज का दिन, कल का दिन भी 1 करोड़ का था, 60% डिलीवरी उठाया गया आज, कल भी 57% का डिलीवरी था। ऑफकोर्स आपको पता है 58 रुपीज़ का डिविडेंड है, इसके लिए कोई भी इसमें डिविडेंड के लिए एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी हमको क्या करना है डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू में हमको देखना है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में पोस्ट किया था हम लार्ज कैप पे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो डिविडेंड के लिए भी हमारा टारगेट था। तो दोस्तों, अभी डिविडेंड हमको कल का दिन में मिल जाएगा,
तो अभी हमको आगे का स्ट्रेटर्जी क्या करना है? आप जैसा देखा इधर आपको करेक्शंस आ रहा है, तो हमको अभी कल का दिन में हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे दोस्तों। अगर आप 58 रुपीज़ का डिविडेंड भी मिला तो आप ऑलरेडी आप प्रॉफिट में रहेंगे, तो कल का दिन हम प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर इसमें थोड़ा करेक्शन आ जाएगा, जैसा आप इधर देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें थोड़ा करेक्शंस हो रहा है। तो डिविडेंड का बाद में जिसने भी डिविडेंड के लिए एंट्री लिया था उन्होंने अभी सेलिंग लगातार इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसका वजह से इसमें थोड़ा गिरावट आ सकता है। तो जब तक गिरावट आके ये कंसोलिडेट होके ट्रेंड रिवर्सल नहीं होते तब तक हम इसको खरीदेंगे नहीं, अभी तो फिलहाल हम प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसा इसका सेलिंग ख़त्म होके ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा फिर इसमें हमको एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए हमारा स्ट्रेटजी यही है कि हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। आपको आपका स्ट्रेटजी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको BPCL के बारे में डिटेल में देखना है तो आप हमारा पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आपका समय के लिए धन्यवाद।